हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल घर की रसोई बाय रेखा। आज मैं गुड़ और चने की चिक्की बनाने जा रही हूँ, तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। गैस पर कढ़ाई को चढ़ा दिया है और गैस ऑन कर देंगे। गैस की फ्लेम मीडियम होगा और अब गुड़ डालेंगे। ये 200 ग्राम गुड़ है और मैंने 200 ग्राम चना भी लिया है, बराबर मात्रा में लेना चाहिए। और इसमें डालेंगे 2 चम्मच पानी, जिससे हमारा गुड़ जले ना और अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगी। गुड़ को चलाते हुए मेल्ट करेंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गुड़ को पहले छानेंगे। गुड़ को छानकर मैंने ले लिया है। गुड़ को छानना बहुत ज़रूरी होता है, उसी कढ़ाई में डालेंगे और चलाते हुए गुड़ को पकाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 50 ग्राम के करीब चीनी। ये हलवाई वाले ट्रिक हैं, ये हलवाई लोग कभी नहीं बताते हैं। इससे चिक्की बहुत अच्छी बनती है। और 1 चम्मच सोंठ पाउडर, आप इसकी जगह पर इलायची पाउडर डाल सकती हैं। जाड़े में सोंठ फायदा करता है, बच्चों को ठंड नहीं लगेगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसका, इसलिए मैं सोंठ डालती हूँ। अगर आपको सोंठ का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप इलायची पाउडर डालिए, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 चम्मच घी डालूंगी। घी डालने से चिक्की में साइन आता है और खस्ता भी बनती है। देखिए गुड़ में थोड़ा थोड़ा झाग आने लगा है, लेकिन हमें अभी चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, बराबर चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी मीठा सोडा, ज़्यादा नहीं डालना है, केवल 1 चुटकी डालना है। इससे हमारी चिक्की बहुत ही बढ़िया बनेगी। देखिए सोडा डालते ही कलर चेंज हो गया गुड़ का। और हम चेक करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे गुड़ को इसमें, चलाते रहना है बराबर। देखिए अभी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब अभी हुआ नहीं है। थोड़ा और पकाएंगे। गुड़ का जैसा कलर होता है वैसा ही कलर चिक्की का बनता है। थोड़ी थोड़ी देर पर चेक करेंगे, हर 1-2 मिनट पर चाशनी को चेक करते रहना है, नहीं तो चाशनी कड़ी हो जाएगी और चिक्की सही नहीं बनेगी। चलिए अब फिर से चाशनी को चेक करते हैं। देखिए हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार हो गई है, बिल्कुल तैयार है। जब चाशनी से चट चट की आवाज़ आने लगे, समझिए चाशनी तैयार है। मैं इसमें डालूंगी 1 कटोरी तिल, यानी 50 ग्राम तिल है ये। पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकती हैं। और अब चने को भी डाल देंगे और मिलाएंगे अच्छे से। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और चने को गुड़ में अच्छे से मिला देंगे इस तरह से। और चलिए अब चलते हैं। मैंने पहले से ग्रीस करके रखा है, से मैंने पन्नी को ग्रीस कर लिया है घी से। आप चाहें तो किसी थाली को ग्रीस कर लें और इस पर निकाल लेंगे। और
अब दूसरी पन्नी लेंगे, जिधर से ग्रीस किया हुआ है उधर से इस तरह से फैलाएंगे, इस तरह से बराबर कर देंगे। पतला पतला बन फैलाना है। इस तरह से पतला पतला बेल लेंगे और अब इसे काट लेंगे। अभी गर्म है तो कट जाएगा आसानी से। अब इधर से काट लेंगे। ध्यान रखिएगा गरम गरम पर ही काटिएगा तो आसानी से कट जाएगा, नहीं तो कटेगा नहीं जल्दी। ठंडा होने देंगे थोड़ी देर। देखिए चिक्की ठंडी हो चुकी है, अब इसे तोड़ लेंगे। बहुत आसानी से निकल जा रहा है। इस तरह से आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छी बनेगी। क्रिस्पी क्रंची और खस्ता बनेगी। एक बार अगर आप इस तरह से बना लेंगे तो बार बार बच्चे कहेंगे बनाने को। और तो और टेस्टी बहुत होती है, सेहत के लिए अच्छा होता है। इस तरह से सारे पीस को अलग कर लेंगे। लीजिए हमारी गुड़ की चिक्की बनकर तैयार है। आप भी बनाएं और एंजॉय करें। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।